Hello student, today we are going to discuss some other questions on trigonometric transformation of differentiation. चलिए आप और हम मिलकर पढ़ाई करते हैं. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए बहुत सिंपल है. यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैंने cos 2θ कंसिडर कर लिया है. ठीक है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन में पहले सिंप्लीफिकेशन करूंगा. टेन इनवर्स यहाँ पे स्क्वायर रूट है, वन प्लस कॉस 2θ प्लस का साइन, वन प्लस वन माइनस कॉस 2θ. यहाँ पे स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस 2θ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस 2θ. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां ये हो गया स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर यहां पे देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2, ये फिर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस यहाँ पे रूट 2, ये साइन थीटा बाहर आ गया, यहाँ रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा, ये हो गया. ओके, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 रूट 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. इसको बाहर आप कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से, यहाँ डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा. लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए इसको. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos थीटा से मैं डिवाइड कर देता हूं. ओके, देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos थीटा को डिवाइड किया cos थीटा से, वन साइन थीटा बाय cos थीटा, फिर वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ठीक है, यहां देखिए वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा. ठीक है, ये वन की जगह पे टेन पाई बाय फोर लिख दें, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा. यहां पे वन कोफिशियंट है, ये भी टेन पाई बाय फोर हो जाएगा, ये टेन पाई बाय फोर हो जाएगा. प्रीवियस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे इसका सिंप्लीफिकेशन. यहां पे टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, वाई विल गिव यू पाई बाय फोर प्लस थीटा. ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ गया. यहां पे हम क्या करते हैं, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, और थीटा डिवाइडेड बाय टू, यहां पे क्या हो जाएगा टू नीचे आ जाएगा, ये टू थीटा से हमने रखा है इसको यहां पे वैल्यू. y इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे वन बाय टू. ठीक है, ये हो गया dy बाय dx, ये जीरो हो गया वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया. एक्स स्क्वायर का जब मैंने किया ये 2x हो गया. ठीक है, ये 2x हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया. dy by dx यहां पे क्या हो गया माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4. ओके बच्चों, ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन. डिफरेंशिएशन हमने किया इस क्वेश्चन का, बहुत ध्यान से इसको समझिए, फेयर आउट करिए, फिर रफ में खूब प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, मैंने क्या किया वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की प्लेस पे ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एक्स की प्लेस पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया. ठीक है, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा. ठीक है, अपॉन में देखिए यहां पे ए स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं. ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
फिर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a साइन थीटा, ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a हो जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया, y विल गिव यू व्हाट, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस विल गिव यू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, ठीक है, यहां पे ये थीटा आ गया, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू थीटा है, ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर मुझे x इक्वल टू a साइन थीटा दिया है, x इक्वल टू, तो x बाय a साइन इनवर्स, इधर इम्पोज हुआ थीटा, तो y इज इक्वल टू थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x बाय a, ओके, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया dy बाय dx, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x बाय a का स्क्वायर, फिर x बाय a का करेंगे तो यहां क्या आएगा, 1 बाय a, x का करोगे 1, ठीक है, चेन रूल में आपने सीखा ही है, तो देखिए यहां पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर, और 1 बाय a है, ये a स्क्वायर बाहर आके a ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 बाय a, ये कैंसिल हो गया, और आंसर इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए, ये a स्क्वायर था, 1 अपॉन a स्क्वायर बाहर आया, तो 1 अपॉन a बाहर आएगा, स्क्वायर रूट है तो 1 अपॉन a बाहर आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो वही उसी तरह से लिखा है, देखिए इसको बहुत ध्यान से फेयर आउट करिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे करेंगे इसको, इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है, हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लिया, y कॉट इनवर्स, यहां पे ये साइन थीटा लिखा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस, यहां पे ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट है हटेगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन थीटा है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है, यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां पे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाय 2 आ गया, ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, इसको मैं क्या लिखता हूं, कॉट पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ओके, ये लिखा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बाय 2 मिल गया, ओके बच्चों, यहां पे एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे x, यहां पे अगर हम थीटा निकालें तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x मिलेगा, ठीक है, x मिलेगा, बट यहां पे क्या है, थीटा बाय 2 है, ठीक है, तो हमने रखा यहां पे साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, बाय 2, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy बाय dx, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू व्हाट, x बाय 2 यहां पे साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2, तो देखिए 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस बात को समझिए, नोट करिए, फेयर आउट करिए, यहां पे ये देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो इसको हम पाई बाय 2 भी तो लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, तो क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस दिस, ये माइनस आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके बच्चों, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहां पे स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स की प्लेस पे हम साइन थीटा कंसिडर करते हैं, ओके, हमने कंसिडर किया,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पे देखिए 5 साइन थीटा प्लस 12 वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 13, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12 यहां पे कॉस थीटा अपॉन 13। ओके बच्चों, यहां देखिएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 by 13 साइन थीटा प्लस 12 by 13 कॉस थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे बच्चों मैं क्या करता हूं, देखिए 5 by 13 लेट, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, कोई नंबर है, हमने लिखा लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5 by 13 ट्राइंगल रूल से करेंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, अल्फा है ये, ठीक है, ये अल्फा है। अल्फा क्या होता है हमें पता है, पीबीपी अपॉन एचएचबी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, बेस हमारा ये हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, ये कैसे निकलेगा तो भाई देखिए 169 25 प्लस इसका स्क्वायर, 169 माइनस 25 इसका स्क्वायर, ठीक है, 169 में से 25 जाएगा तो ये हमारे पास क्या दे देगा 144, ठीक है, ये स्क्वायर ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई 12 आ गई। ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। कॉस अल्फा ये निकाला हमने, यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाली इस ट्राइंगल से, साइन अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके 5 by 13 की जगह कॉस अल्फा, फिर है साइन थीटा प्लस 12 by 13 की जगह साइन अल्फा कॉस थीटा, हमने रख दिया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अल्फा, ये लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है x होता है, y इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, ओके अल्फा हमारा क्या है कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं है। यहां पे थीटा निकालते हैं, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहां रखा हमने साइन इनवर्स ऑफ x प्लस अल्फा, ठीक है। फिर इसका डीवाई बाई डी एक्स किया, क्या मिल जाएगा 1 upon square root of 1 minus x square प्लस 0, यही आंसर है हमारे पास, 0 हटा दीजिए, आंसर हमारा 1 upon square root of 1 plus x square है, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, नोट करिए, हमने यहां पे क्या किया ट्रायंगल रूल से इसको सॉल्व कर दिया, ये कांस्टेंट था इसको कॉस अल्फा मान लिया। तो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत अच्छे अच्छे यूनिक क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत यूनिक क्वेश्चंस कराए हैं आपको, हर एक स्पेसिफिक यूनिक क्वेश्चन आपको करा दिया है मैंने। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, फेयर आउट करिए उसको, फिर रफ में प्रैक्टिस करिए, एक बार बस मेहनत करने की जरूरत है अच्छे से, एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली फिर वो हमेशा के लिए हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। अब आगे जो वीडियो आने वाला है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हम डिफरेंशिएशन के लास्ट पार्ट में पहुंच रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके बहुत एक्साइटिंग वीडियो होगा, प्लीज डू वॉच, हर एक वीडियो को सीरियल ऑर्डर में आप देखते चले जाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, मेहनत से पढ़ते जाइए, ठीक है, हमारा आप मिलकर खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।